नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 16 श्राद्ध में नर्मदा तट ओमकारेश्वर एवं गयाशिला में पितरों के निर्मित किए जा रहे कर्म सप्रित मोक्ष अमावस्या पर गयाशिला एवं ओमकारेश्वर में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। खंडवा 16 श्राद्ध में पितरों की निर्मित नर्मदा के तट एवं गयाशिला अति प्राचीन सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच ओमकारेश्वर से 2 किलोमीटर दूर स्थित गयाशिला नामक स्थान पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 16 दिनों तक मेले जैसा लगता है। ग्राम पंचायत एवं बांध परियोजना NHDC द्वारा पानी, प्रकाश, ऊर्जा, लाइट एवं टीन सेट की व्यवस्था नहीं किए जाने से वर्षा ऋतु में आने वाले 16 श्राद्ध में भक्तों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पंडित धर्मेंद्र पाठक 16 दिनों तक कैंप लगाता यहां पितरों के निर्मित आने वाले भक्तों के प्रीत की शांति के लिए तर्पण व अन्य कर्म कर पितरों को मोक्ष दिला रहे हैं। पंडित रूप मांगद शुक्ला ने बताया कि 16 दिन तक पितरों को निर्मित कर्म करना चाहिए गया, जो फल गया जी जाकर तर्पण करने का है वही इस स्थान पर मिलता है। अनादि काल के अनेक कथाएं यहां जुड़ी हुई है। कौरव ने यहां भी जब तप किया, ऋषियों ने भी इस स्थान पर तपस्या की है। खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट। उसमें डालोगे इधर डालेंगे शिवलिंग क्या है कि तीर्थ है। डबल कर लो उधर नहीं, इधर इधर सीधा चला ना, इधर से पकड़ ऐसे ध्यान दो, ध्यान दो साथ में जा रहा हूँ, जा खत्म हो जाए उसमें अटका देना, पूरा लपेट दो, पूरा लपेट दो, नीचे से जान दो, ऊपर से टाइट। ये गयाशिला जो गया जी जाकर लोग अपने पूर्वजों के निमित्त बिहार में पिंडदान करवाते हैं, वो वहाँ न जाकर यहाँ आकर अपने पूर्वजों के निमित्त यदि पिंडदान करते हैं तो उन्हें गया जी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गयाशिला ही है। स्वामी मार्कंडेय ऋषि जी ने स्वयं तपस्या करके शिला को स्थापित किया है। जब से स्थापित है जो भी यहाँ पिंडदान करता है उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूरे निमाड़ प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं और सर्वपित्र अमावस्या के दिन यहाँ पर पिंडदान वगैरह करवाते हैं। मैं भी यहाँ 16 दिन तक रहता हूँ, 16 दिन तक यहाँ गया श्राद्ध, नारायण बलि, त्रिपिंड श्राद्ध वगैरह करते हैं, जिसमें ब्राह्मण भोजन भी करवाते हैं और आखिरी दिन छोटा मोटा भंडारा भी देते हैं भगवान की कृपा से। और पूर्व आदिकाल में बताया, सबसे प्रथम तो मार्कंडेय ऋषि जी ने तपस्या करके जब गया स्थापित हुई तो उन्होंने तर्पण किए, उनके पिता के निमित्त पिंडदान किए, माता पिता के निमित्त। उसके बाद बताते हैं कि अज्ञातवास में पांडव लोग भी यहाँ पर आए थे, तो पांडवों ने भी अज्ञातवास में अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किए हैं। ये धरोहर जो दिख रही है ये सब पांडवकालीन है, पांडवों के हाथ की बनी है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग के 2 किलोमीटर दूर पे गयाशिला नामक स्थान है। पूर्व में यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास में जब यहाँ पे आए थे उस टाइम जो है उनके पूर्वज जब चले गए तो उनको कहीं पिंडदान करने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी। उस आराधना से भगवान श्री कृष्ण यहाँ विद्यमान हुए और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे गया के नाम, गयाशिला के नाम से उनका स्थान बनाया
और पांडवों के हाथ से उनका यहाँ पे उनके पूर्वजों के तर्पण श्राद्ध पिंडदान करवाया और उनको जो गति सदगति प्राप्त करी। उसी काल में जो यहाँ पे पास में हिडम्बा नाम का पर्वत भी है, जो एक हिडम्बा नाम की एक राक्षसनी थी, उसने जो है भीम ने यहीं पर उसकी शादी भी करी थी। और यहाँ पे निमाड़ क्षेत्र में जो है ये गया शिला नाम का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। पहले लोग गया जाया जी नहीं जा पाते थे, गरीब लोग रोते थे, पैदल जाना पड़ता था, बड़ी परेशानी आती थी। तो जो है यहाँ ऋषियों ने भी तपस्या करी, ये विंध्याचल पर विद्यमान है। आज भी यहाँ पर जो है जिसके पूर्वज जो है गया शिला नहीं ले जा सकते, जो जा नहीं सकते वो यहाँ आकर अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान करे तो उनके जो है पितृदोष मुक्त हो जाएगा तथा उनके पुत्र जो है वो गया शिला जो गया जी में जो श्राद्ध करते हैं वही उनको पुण्य मिलेगा और उनका स्वर्ग में वास होगा। पंडित रुक्मांग शुक्ला ओंकार। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।